एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसकी इच्छा है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा ले। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सामने एक नदी है और उस नदी के सामने ही वह गांव होता है। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। दूसरा यह कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंचे जहां जिसमें केवल 20 मिनट लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गाँव तक पहुँचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमे एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। तो बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बोतल बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने इरिटेट होकर कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गाँव से बाहर निकल कर देखा ही नहीं। बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटा और नाव एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता ही होगा ना? बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर नाव वाले से कहने लगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए।